हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्टी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में कवर करेंगे नियुक्तियाँ जो 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक जितने भी नियुक्तियाँ हुए हैं उनका सार संग्रह करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 21 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये राकेश अस्थाना बने हैं। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही राकेश अस्थाना है जो पूर्व में बीएसएफ के महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 21 में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन वेणुधर रेड्डी ने बने हैं। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, यही एन वेणुधर रेड्डी है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 21 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये सुरेश एन पटेल बने हैं जो पूर्व संजय कोठारी थे पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 21 में अनकटाड की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? तो यह रेबेका ग्रीनस्पन ने नियुक्त हुई। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 21 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अब पुष्कर सिंह धामी बने हैं। तीर्थ सिंह रावत पूर्व में मुख्यमंत्री थे। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही पुष्कर सिंह धामी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये अमिताभ कांत है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जून 21 असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक ये प्रदीप चंद नायर बने। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह टीवी नरेंद्रन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो ये प्रथम कुलपति कर्णम मलेश्वरी बनी है। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, यही कर्णम मलेश्वरी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 21 में 21 से ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो यह इब्राहिम रायसी बनेंगे। हसन रूहानी का स्थान ये लेंगे। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही इब्राहिम रायसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन यह सत्या नडेला बना है। यह आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सत्या नडेला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये रंजीत सिंह दिसाले की नियुक्त किया गया है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही रंजीत सिंह दिसाले है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? तो यह एंटोनियो गुटेरस की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री यह नफ्ताली बेनेट बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह यह नफ्ताली बेनेट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्रमय सत्र की अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अब्दुल्ला साहिद को बनाया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री है और तुर्की के बुल्कान बेजाफिर 75वें सत्र के अध्यक्ष का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ कौन बना है? तो यह भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ यह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बना है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है या परेश बिलाल को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप के सीईओ है बिल कैथकार्ट, मार्च 2019 में बने हैं। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बना है? तो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष यह डॉक्टर पेटिट अमुठ बना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह ये लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो यह NHRC के नए अध्यक्ष यह अरुण कुमार मिश्र होंगे। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये IBF के नए अध्यक्ष विक्रमजीत सेन बने। इमेज में आपको दिख रहा होगा यही विक्रमजीत सेन है, यही IBF के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यह जस्टिस NV रमना बने हैं। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये CBI के नए निदेशक यह सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही सुबोध कुमार जायसवाल, यही CBI के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राव का प्रमुख कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सामंत कुमार गोयल है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IB प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अरविंद कुमार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वाणिज्यिक सचिव कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए वाणिज्यिक सचिव यह BBR सुब्रमण्यम को बनाए गए हैं। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा यह BBR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर यह T रविशंकर बने हैं, जबकि गवर्नर यह श्री शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक के। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया है? तो यह बाह्य ऑडिटर बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यह सुशील चंद्र बने हैं। सुनील अरोड़ा का स्थान यह सुशील चंद्र लेंगे, जो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह NSG के नए महानिदेशक यह MA गणपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह संयुक्त राज्य के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के नए मुख्यमंत्री यह हेमंत बिस्वा सरमा बने हैं, उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री N रंगा स्वामी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री यह MK स्टालिन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EY DAI यानी उदय का CEO कौन बना है? तो यह सौरभ गर्ग बना है। EY DAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष यह संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही संजीव कुमार है जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है, यानी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष यह बनाया गया है, तो ये अजय माथुर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार यह कुलदीप सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है, तो यह दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? तो ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यह विजय सांपला बना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में, कितने में? तो 338 में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान भारत योजना के नए CEO
आर एस शर्मा बने। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही आर एस शर्मा है जो आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीआईसी कौन बने हैं? तो यह बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। बिमल जुल्का के सेवानिवृत्ति के बाद यह यशवर्धन कुमार सिन्हा यह मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचएआई के चेयरमैन के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सुखवीर सिंह संधु है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सुखवीर सिंह संधु है जिसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में नवगठित WHO फाउंडेशन का सीईओ कौन बना है? तो यह सीईओ बना है अनिल सोनी बना है। WHO फाउंडेशन को मई 2020 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा बने हैं। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले सीईओ भी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम के सिवान है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही के सिवान है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का महानिदेशक कौन बना है? तो यह BRO का महानिदेशक यह राजीव चौधरी बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष यह विनीत अग्रवाल बना है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोकसभा महासचिव नियुक्त किया है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष महासचिव यह उत्पल सिंह को नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यह राजस्थान के मुख्य सचिव यह निरंजन कुमार आर्या बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राजनीति को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है विदिशी मैत्रा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो दोस्तों, आज का सेशन का या जितने भी नियुक्तियाँ 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक हुआ है, उन सभी का हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।